न्यूज़लाइट 10 के साथ मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। सबसे पहले बिजनौर की बड़ी खबर। आज सुबह सिविल लाइन में रिक्शा चालक एसोसिएशन कार्यालय के सामने रिक्शा चालकों ने सड़क को जाम कर दिया। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। दरअसल रिक्शा चालक एसोसिएशन के कार्यालय के बाहर एक महिला ने चाय की दुकान कर रखी है। कल रात कुछ युवकों ने उसके साथ बदतमीजी की, जिसको लेकर वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। इसी बीच एक रिक्शा चालक सलीम उर्फ सुख के मौके पर पहुंचा, जिसको देखकर बदतमीजी करने वाले युवक भाग खड़े हुए, लेकिन सलीम को मामला उल्टा पड़ गया। महिला के परिजनों का आरोप है कि सलीम ने बदतमीजी करने वाले युवकों को वहां से भगाने में उनकी मदद की है, जिसके बाद महिला के परिजनों ने सलीम को जेल भेजने की धमकी दे डाली। सलीम एक सीधा साधा रिक्शा चालक था। वो काशीराम कॉलोनी का रहने वाला था। घर जाकर उसको इस बात की टेंशन होने लगी, इस बात की फिक्र होने लगी कि कहीं पुलिस उसको गिरफ्तार ना कर ले, जिसके चलते वो पूरी रात सो नहीं पाया और रात में ही किसी वक्त उसको हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर जैसे ही आज रिक्शा चालकों को मिली, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और सिविल लाइन में पहुंचकर रिक्शाओं से वहां पर जाम लगा दिया। जाम की खबर पर शहर कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रिक्शा चालकों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। कप्तान साहब दोनों के टाइम दिया हो कर रहे हैं, अभी वो प्रेस तक जा रहे हैं। उसके बाद फिर मतलब वही आ रहे हो ना, वही मेरे को फिर जैसे भी वो